रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग द फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलीवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन लविं... ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका मॉन ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके अगर जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जोनाथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए आई एम पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेकसन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैन्ट ने अलीवा गोल्डसमैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू बलॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मॉन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी को कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन लविंगन लविंग ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का करैक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैक्सन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और यह भी मूवी रिलीज़ हुई थी टू 2016 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जॉनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलिवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के को कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियल यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ्सक्रप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबि ने बैन थॉमस पैरिश का ओलिवर निभायान का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने, ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने, ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज़ हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलिवा गोल्डसमैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस वन 109.9 मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन लविंग लविंगसनटन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है एलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका मॉन ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके अगर जॉनर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको ज़रूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिटर्स की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग द फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ्स क्लेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो दिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेकसन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैन्ट ने अलीवा गोल्डसमैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मॉन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के को कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्म मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका मॉन ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़रूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज़ हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग द फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलीवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन लविं, ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्सा रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके अगर जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जोनाथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए आई एम पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेकसन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैन्ट ने अलीवा गोल्डसमैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मॉन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी को कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन लविंगन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का करैक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैक्सन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और यह भी मूवी रिलीज़ हुई थी टू 2016 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लेकसन ने जॉनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलिवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लेन हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरिटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्म मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियल यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ्सक्रप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबि ने बैन थॉमस पैरिश का ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज़ हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लेकसन ने जोनाथन ब्लेकसन जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैन्ट ने अलीवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के को, कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 22 जनवरी 2016 था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को 38 से लेकर 54 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में। चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिसन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया रॉन ने लिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके अगर जॉनर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको ज़रूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ़ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिटर्स की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए आई एम टी वी पर वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेकसन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैन्ट ने अलीवा गोल्डसमैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मॉन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के को कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्म मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी का ने, का लविं, ने, सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है एलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका मॉन ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़रूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज़ हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग द फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जॉनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलीवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्सा रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके अगर जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जोनाथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए आई एम पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेकसन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैन्ट ने अलीवा गोल्डसमैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मॉन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी को कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज़ हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बैन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन लविंगन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है एलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका मॉन ने रिंगर का करैक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैक्सन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और यह भी मूवी रिलीज़ हुई थी टू 2016 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जॉनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलिवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के को कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियल यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ्सक्रप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबि ने बैन थॉमस पैरिश का ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज़ हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लेकसन ने जोनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलीवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के को, कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 22 जनवरी 2016 था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को 38 से लेकर 54 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में। चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिसन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया रॉन ने लिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके अगर जॉनर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको ज़रूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिटर्स की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जॉनथन ब्लेकसन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैन्ट ने अलीवा गोल्डसमैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मॉन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के को कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्म मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी का ने, का लविं, ने, सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका मॉन ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़रूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज़ हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग द फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलीवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में, चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके अगर जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जोनाथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए आई एम पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेकसन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैन्ट ने अलीवा गोल्डसमैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू बलॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मॉन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी को कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में चलो ग्रेस मॉर्टज ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन लविंग लिविंगसनटन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सेफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है एलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बेलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का करैक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैक्सन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और यह भी मूवी रिलीज़ हुई थी टू 2016 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जॉनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलिवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के को कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियल यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ्सक्रप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबि ने बैन थॉमस पैरिश का ओलिवर लविं, सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जानर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और यह भी मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज़ हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लेकसन ने जोनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलीवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के को, कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 22 जनवरी 2016 था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को 38 से लेकर 54 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स सब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में चलो ग्रेस मॉरिट्ज ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन लिविंग लिविंगसन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सेफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है एलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइक मॉनरोय ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके अगर जॉनर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको ज़रूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिटर्स की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेकसन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैन्ट ने अलीवा गोल्डसमैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मॉन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के को कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्म मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 22 जनवरी 2016 था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को 38 से लेकर 54 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रप्शन वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग में चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है एलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका मॉन ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़रूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज़ हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग द फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जॉनाथन ब्लेक्सन जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैंट ने अलीवा गोल्ड्समैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मोनरो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली ये मूवी रिलीज़ हुआ था बजट की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस वन 109.9 मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिंसन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन लविंग लविंगसनटन ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्सा रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का कैरेक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके अगर जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जोनाथन ब्लैकसन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए आई एम पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई द फिफ्थ वेव मूवी के बारे में काफ़ी बड़ी हिट गई थी यह मूवी जब ये रिलीज़ हुई थी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फिफ्थ वेव मूवी के फ़ैन हैं जो इस मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी द फिफ्थ वेव मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको कि द फिफ्थ वेव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है कौन से एक्टर आपको द फिफ्थ वेव मूवी में देखने को मिलेंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था इस मूवी ने सो फुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी को डायरेक्ट किया है जे ब्लैकसन ने जोनाथन ब्लेकसन जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने के साल 2020 में आई केयर लॉट मूवी को बनाया था 2009 में उन्होंने द द ऑफ अलाइस क्रीड मूवी को भी बनाया था उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है सुशाना ग्रैन्ट ने अलीवा गोल्डसमैन ने जेफ पिंकनर ने और प्रोड्यूस किया है द फिफ्थ वेव मूवी को टॉबे मैग्यूर ने ग्राहम किंग ने मैथ्यू प्लॉफर ने लियान हैरिस ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में चलो ग्रेस मॉरटस देखने को मिल जाते हैं उसके आगे निक रॉबिन्सन देखने को मिल जाते हैं रॉन लिविंगटन देखने को मिल जाते हैं मैगी सिफ देखने को मिल जाते हैं अलेक्स रो देखने को मिल जाते हैं एंड मारिया बैलो देखने को मिल जाते हैं माइका मॉन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी में सनमैटोग्राफी की है एनरी क्यू चैडियाक ने एडिट किया है इस मूवी को पॉल रूबेल ने म्यूजिक किया है द फिफ्थ वेव मूवी का हैनरी जैकमैन ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी को कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल जी के फिल्मस मटीरियल पिक्चर्स एंड लिविंग फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है द फिफ्थ वेव मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी टू जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन था और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन ट्वेल्व मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफिशियली यह मूवी रिलीज़ हुआ था बजट की बात की जाए तो द फिफ्थ वेव मूवी को थर्टी एट से लेकर फिफ्टी फोर मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑब्सक्रिप्शन वन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल चलो ग्रेस मॉर्ट ने कैसी सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है निक रॉबिन्सन ने बेन थॉमस पैरिश का कैरेक्टर निभाया है रॉन लविंगन लविंग ने ओलिवर सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है मैगी सिफ ने लीसा सुलीवन का कैरेक्टर निभाया है अलेक्स रो ने इवान वॉकर का कैरेक्टर निभाया है मारिया बैलो ने सर्जेंट रेजनिक का कैरेक्टर निभाया है माइका ने रिंगर का करैक्टर निभाया है जैकेरी आर्थर ने सैम सुलिवन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो फिफ्थ वेव मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो कि जॉनथन ब्लैक्सन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई है काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले इस मूवी का लिखा गया है आपको जरूर से इस मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है क्योंकि आपको बता दें कि द फिफ्थ वेव मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि सेम नेम का नावल था टू में आया था रिक जैन के द्वारा वो नावल लिखा गया था उस नावल के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड काफ़ी अच्छा इस मूवी को भी बनाया गया है और यह भी मूवी रिलीज़ हुई थी टू 2016 में काफ़ी बड़ा हिट मूवी गया था काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी अच्छा स्टोरी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, जरूर से आपको द फिफ्थ वेव मूवी देखना चाहिए आपको यह मूवी पसंद आएगी एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो सभी एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में कमाल का काम किया है चलो ग्रेस मॉरिट की लीडिंग रोल पर कमाल की एक्टिंग के साथ साथ आपको एक्ट्रेस का भी अच्छा काम इस मूवी में देख पाओगे पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है आई एम की बात की जाए तो आई पर द फिफ्थ वेव मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को लगभग वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो एंड कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना